आज योग की सभा में हम लोग चर्चा करेंगे कि योग के फायदे क्या क्या हैं। बंधुओं जी बता दें कि जो महर्षि चरक हैं उन्होंने आयुर्वेद के प्रारंभ में जिन सिद्धांतों के आधार पर किया है, योग भी उन्हीं सिद्धांतों को मानता है। आयुर्वेद पंच प्राणों के संतुलन, प्राण पान व्यान समान और उदान, और हमारे शरीर में जितने प्रकार के धातु हैं उनके संतुलन और वात पित्त कफ, इन तीनों पर भी विवेचन करता है। योग भी पंच प्राणों के संतुलन पर विशेष बल देता है और इसके लिए आसन, प्राणायाम और हठ योग के द्वारा शुद्धिकरण की क्रियाओं का भी प्रचलन किया गया है। तो ये जो सारी क्रियाएं हैं, यह जिस प्रकार से हम औषधियों के द्वारा शरीर को स्वस्थ रखते हैं, उससे भी अच्छी तरीके से हम योग के द्वारा शरीर को स्वस्थ रखते हैं। एक बहुत बड़ा विज्ञान है। जब कोई योग शास्त्री कहता है कि योग के द्वारा हम कैंसर को स्वस्थ कर सकते हैं, कैंसर के मरीज अच्छे हो सकते हैं, तो गलत नहीं कहता है, बल्कि औषधियों से भी अधिक अच्छे तरीके से हम योग के द्वारा स्वस्थ रह सकते हैं। उसके लिए आवश्यक है कि हम प्रतिदिन योग का अभ्यास करें, और ना अभ्यास कर पाएँ तो किसी प्रशिक्षित ध्यानी योग गुरु की शरण में जाएं, जो हमको सही रास्ता दिखा सके और उसके द्वारा हम स्वस्थ और प्रसन्न हो सकें। आप जानते हैं कि हमारे शरीर में दाहिनी और बाईं दो नासिकाएं हैं और दोनों एक समय में दोनों नहीं चलती हैं। जिस समय दाईं चलेगी बाईं बंद रहेगी और जिस समय बाईं चलेगी दाईं बंद रहेगी। कुछ ही समय एक ऐसा आता है जब दोनों चलती हैं, बहुत ही कम समय के लिए, वो मिनटों में उसका समय होता है और वह समय शरीर के बहुत संक्रमण काल होता है। जब सूर्योदय होता है तो योग शास्त्र मानता है कि हमारी दाईं नासिका चलनी चाहिए, और जब सूर्य डूबता है शाम के समय, सूर्यास्त के समय, बाईं चलनी चाहिए, और यह क्रम बदलता रहता है। अगर दाईं ज़्यादा चल रही तो हमारे शरीर में ऊष्मा की मात्रा ज़्यादा बढ़ेगी, संतुलन दोनों में नहीं तो, अगर बाईं चलेगी तो हमारे शरीर में मोटापा और नाना प्रकार की चीज़ें। इसीलिए हम कहते हैं कि नाड़ी शोधन प्राणायाम है। नाड़ी शोधन प्राणायाम के द्वारा दोनों नाड़ियों का संतुलन किया जाता है। इड़ा पिंगला सुषुम्ना तीन नाड़ियाँ हैं। सुषुम्ना में जब चलती है तो हमारे शरीर में ध्यान और नाना प्रकार की अन्य क्रियाएँ होती हैं। ध्यान अच्छा लग सकता है, समाज की अवस्था में हम जा सकते हैं। तो शरीर के संतुलन के लिए जो आसन बनाए हमारे योग शास्त्रियों ने, महर्षि पतंजलि जो आसन बनाए, उनका भी काम है हमारे शरीर में प्राणों का संतुलन। और वह प्राण जब संतुलित अवस्था में रहते हैं तो हमारा शरीर स्वतः ही स्वस्थ रहता है, हमारा मन अच्छा रहता है। आज जानते हैं कि आजकल की बहुत सारी बीमारियाँ 90% बीमारियाँ मन से हैं। तो मन को भी सबसे अच्छा संतुलन का काम योग का है। योग में जो ध्यान की क्रिया है वह मन के संतुलन की सब सर्वाधिक प्राचीन विधि तो है ही, और उसके साथ सर्वाधिक अच्छी भी है। इसमें आधुनिक विधियों से लेकर प्राचीन विधियों तक बहुत सारे प्रयोग हुए हैं और सब ने माना है कि बहुत ही चमत्कारी। आप जानते हैं जैसे एक हम लेंस होता है, लेंस के द्वारा जब सूर्य की किरणों को इकट्ठा करते हैं एक जगह पर तो उससे बहुत ज़्यादा ऊष्मा पैदा होती है। वैसे ही जब मन का हम केंद्रीकरण करते हैं तो मन के केंद्रीकरण के माध्यम से हमारे शरीर, मन और प्राण सब पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, जो कि हमारे स्वस्थ रखने में बहुत ही मददगार है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।